शिवसेना सांसद संजय राउत 20 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इसकी जानकारी खुद शिवसेना सांसद ने ट्वीट कर दी। अपने ट्वीट में संजय राउत ने न सिर्फ जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की जानकारी दी, बल्कि इस यात्रा का खुलकर समर्थन भी किया। जहां एक तरफ शिवसेना सांसद ने इस यात्रा की तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसने का मौका भी नहीं गवाया। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए संजय राउत का कहना था, पीएम मोदी मुंबई आ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि उनका स्वागत होना चाहिए। हालांकि इससे ज्यादा जरूरी महाराष्ट्र में निवेश लाया जाना है। प्रधानमंत्री के मुंबई आने की वजह से दावोस दौरे को छोटा किया जा रहा है। अच्छा होता कि पीएम खुद कहते कि इन विकास कामों का उद्घाटन अगली तारीख को किया जाएगा। उधर संजय राउत के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की खबर सामने आते ही सियासत तेज हो गई है। संजय राउत 20 जनवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे, जिसकी जानकारी देते हुए संजय राउत ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्यार दोस्ती और एकता के मार्च में शामिल होने जा रहा हूं। 20 जनवरी को जम्मू से राष्ट्र की एकता के लिए पद यात्रा करूंगा। ये एक ऐसी जगह से है जिससे शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे को विशेष लगाव था। संजय राउत से पहले शिवसेना की ओर से भी अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन जताया गया था। वहीं इस यात्रा में शिवसेना जम्मू के नेता भी शामिल होने की खबर है। पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष सहानी का मामले में कहना था, शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता जम्मू में इस यात्रा में शामिल होंगे, ये नफरत और धर्म की नीति में शामिल लोगों के लिए करारा जवाब है। लोगों को बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में है, जहां से राहुल गांधी का लाल पगड़ी लुक काफी वायरल हो रहा है। पंजाब के बाद यात्रा जम्मू में प्रवेश कर लेगी, जिसके बाद इस यात्रा का आखिरी पड़ाव कश्मीर होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.